हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेवेंथ चैप्टर ऑफ योर बुक ज्योग्राफी द ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स फॉर द क्विक रिव्यू फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डिडंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो दैट वी टॉक्ड इन दिस चैप्टर the settlements, as you know, the settlements people where start to build their houses, these are called settlements. And types of settlements, we talked about the types of settlement, the rural settlement, compact settlement, scattered settlement, linear settlement, radial settlement, etc. And then we knew about, you know, the transport system, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है. सो एन एक्शन या एक्टिविटी टू सेंड द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. एंड द व्हीकल्स द सोर्सेस वी यूज टू सेंड दीज गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट वी यूज्ड इन द एंशियंट पीरियड, you know, the modes of transport, generally we used animals, sheep, and where, how we use, we goes one place to other place through waterways. Then after, you know, after the invention of you know, wheel, we start bullock carts, and also we start vehicles, you know, motorized vehicles, the roadways, through on roadways, then railways, and then aeroplane, airway. So the mode of transport, you know, waterways, roadways, railways, and airways, these are four modes of means of transport we knew. And then today we have to discuss the communication. Students, first, what is communication? So let's start the communication you know, topics. Communication is the process of conveying message to others. हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे और पहुंचाने की जो विधि है हम उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं. हाउ वी सेंड आवर मैसेज टू अदर उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. और जो चीज़ फिर जो सोर्सेस का हम प्रयोग करते हैं इसमें वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. तो फर्स्ट वी वुड लाइक टू लाइट ऑन द थिंग्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द एंशियंट टाइम्स. एंशियंट टाइम्स में हम क्या करते थे, एक दूसरे के पास हमें अपना न्यूज पहुंचाना होता था. स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते थे, आप देखे होइएगा, फिल्मों में देखे होइएगा, लोग निकल जाते थे और ड्रम पीटते थे, घंटी बजाते थे, ड्रम पीट करके बहुत सारे लोग, यू नो, उस समय एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, तो उनसे वो चिल्ला चिल्ला के वो बातें कहते थे और बातें फैल जाती थी. तो ये दैट वाज द यू नो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट ईच अदर. उसके बाद आपने देखा कि कैसे लोग चिड़िया के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा उसे सिखाकर एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को, अपने पत्रों को ले भेजा करते थे. उससे भी पहले आप देखे होंगे, हम लोग तो देखे हैं बचपन में अपने, कि गांव में बाज़ार जो लगता था ना, उस बाज़ार में जा करके लोग को किसी को कोई खबर पहुंचानी होती थी तो उस गांव के लोग को ढूंढते थे. क्योंकि बहुत ऑन दैट टाइम, यू नो, द पीपुल केम टू द मार्केट, विलेज मार्केट, फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस. तो जिस विलेज में हमें पहुँचाना होता था खबर, हम उस गाँव के लोगों को कह देते थे कि आप अमुक आदमी को ये बात कह दीजिए, तो वो बातें पहुंच जाती थी. लेकिन नाउ ए डेज, यू नो, द कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड सडनली, एक जो है, एक जो चेंजिंग आया जिसे हम रिवोल्यूशन कहने लगे स्टूडेंट. तो उसमें जो खास करके आपको जो एक्स आया उसमें आप देख सकते हैं अपने बुक के फिगर नंबर 7.10.10 जो है 52 पेज में, किस तरह ड्रम पीट करके बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं. फिर आप देखे कबूतर उड़ा करके कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फिगर जो है आपका ये. तो इसको आप किस तरह, फिर पोस्ट ऑफिस में कैसे पत्र लिख करके भेजते थे. और उसके बाद आया प्रिंटिंग मीडिया का ज़माना, यानी कि आप
को पेपर के द्वारा, पेपर के बाद फिर अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आया तब तो रिवॉल्यूशन हो गया। सो द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन ला दिया एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एडुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन। आजकल जो डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है बच्चों, वो न सिर्फ बच्चों को इंटरटेन करने के लिए है बल्कि एडुकेट करने के लिए भी है। सो थ्रू विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। इसे हम मास मीडिया क्यों कहते हैं, बिकॉज यू नो थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एट्सेट्रा वी कैन कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप देख सकते हैं एक साथ अगर प्रधानमंत्री का ही भाषण होता है तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बैठ करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत सारे। तो ये सब अब मास मीडिया, मास मीन्स अधिक संख्या में, और मीडिया तो आप जानते हैं, तो ये बहुत अधिक लोगों के पास जो खबरें पहुंचने का जो मीडियम होता है उसी को हम मास मीडिया कहते हैं। सो द सेटेलाइट्स नाउ ए डेज यू नो हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, बहुत तेज़ी से हो गया है। अब तो 3G 4G अब आप देखिए 5G तक आने वाला है। और सेटेलाइट्स हैव हेल्प एंड वाइल्ड एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग, ये सबसे हमें इनका इंटरनेट का वर्क हो गया है। तो पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द वर्क ऑफ द सेटेलाइट्स, व्हाट बेनिफिट्स वी गेन वी टेक फ्रॉम द सेटेलाइट्स। तो आप कह सकते हैं सेटेलाइट्स और इन व्हाट वेज सेटेलाइट्स हेल्प अस, तो आप कह सकते हैं सेटेलाइट्स यू नो हैव हेल्प इन वाइल्ड एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वाटर फॉर वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। सो स्टूडेंट्स दीज आर द यू नो एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लुक एट द क्विक यू नो क्विकली अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। कम टू द पॉइंट, टर्न पेज नंबर 54। व्हाट आर द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू नो एवरीबडी फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन है। एक है वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज, ये फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये भी आप कह सकते हैं। और चार का जहाँ तक बात है तो आप कह सकते हैं रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। सेकेंड क्वेश्चन से व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स द पीपल यू नो इन वेयर द पीपल यू नो बिल्ड दियर हाउसेज, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। एंड विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाई द रूरल पीपल। रूरल पीपल का प्रैक्टिस क्या है स्टूडेंट, यू नो डोमेस्टिकेशन वहाँ है, वो डोमेस्टिकेट पेट एनिमल, एनिमल पेट करते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं, छोटे मोटे और जो बाजार में सब्जी वगैरह बेचते हैं, सेलिंग होता है, वो है उनका। फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे। रेलवे के दो मेरिट्स कोई बताने हैं तो रेलवे तो क्या है, एक चीपर है, चीपर यू नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट आल्सो यू नो यूजफुल टू कैरी हैवी गुड्स एंड एज वेल एज पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये रेलवे का है आपका मेरिट्स। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है यू नो द पासिंग न्यूज़ और व्यूज ऑफ समवन टू अदर्स, वही कम्युनिकेशन होता है। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं वो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। व्हाट इज मास मीडिया, मास मीडिया क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि थ्रू द यू नो थिंग्स या द ऑब्जेक्ट द सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच मोस्ट ऑफ द पीपल, मास पीपल यू कैन से मास पीपल नो द न्यूज़ थ्रू विच दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। जैसे आपका न्यूज़पेपर आ गया, प्रिंटिंग मीडिया जैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गया, ये सारे के सारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये है टेलीफोन, बुक्स है और टेबल। ये कम्युनिकेशन कौन नहीं है, टेबल नहीं है, टेलीफोन है, बुक्स है
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी होगा कि ये नहीं है। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, तो विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो टेबल नहीं है। दूसरा है विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड में कौन सा रोड होता है, सबवे, ध्यान रखिएगा सबवेज। और विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एंड आईलैंड, शिप है। चौथा है विच व्हीकल्स डजंट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को कौन पोल्यूट नहीं करता है, साइकिल, आप इसको सब बना लीजिए। एंड थर्ड है मैच द फॉलोइंग में, इंटरनेट जो पहला है वो आप मिला लीजिए अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ई से। उसके बाद कैनाल रूट है वो आप मिलाइए इनलैंड वाटरवेज से, डी, दूसरा का डी। एंड थर्ड है अर्बन एरियाज, इसका आपका होगा एरियाज वेयर पीपुल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड एंड सर्विसेज। चौथा है कम्पैक्ट सेटलमेंट, इसको आप क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक क्वेश्चन बच गया, गिव रीजंस, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। वर्ल्ड श्रिंकिंग क्यों कर रहा है स्टूडेंट, बिकॉज यू नो थ्रू द कम्युनिकेशंस वी कैन पास आवर मैसेज, द पीपल हु आर फार अवे स्पेशली इन अदर कंट्री, सपोज आज क्या है अमेरिका का बहुत दूरी हमारे यहाँ से, बट हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से काफ़ी करीब होते जा रहे हैं। सो दिस यू नो रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू नो इट लुक्स दैट वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, छोटा होता जा रहा है। सो दैट्स एंड ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो पूरा देखिए आप और इन सब क्वेश्चन आंसर को आप करिए। थैंक यू वेरी मच।